चुके हैं मोहम्मद खान बंगर जी की कब्र के पास। ये जो है मकबरे के अंदर जो है दो कब्र दिख रही हैं, एक उन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ राजीव कुमार और आप देख रहे हैं राजीव के ब्लॉग। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आ चुके हैं आपको लेके एक नए हिस्ट्रिकल प्लेस पे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो को हमें बहुत प्यार दिया, तो उसी तरह से जो है हम आपको एक नई जगह हिस्ट्रिकल प्लेस लेके आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मोहम्मद खान बंगस मकबरा। ये देख सकते हैं जो हमारे पीछे है, और ये जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में पड़ता है। और इसके पीछे जो है बहुत बड़ी कहानी है, जो कि हम आपको विस्तार रूप से इसके बारे में बताएंगे और इस मकबरे को जो है पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। ये देख सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, फर्रुखाबाद शहर जो है मोहम्मद खान बंगस जी ने ही बसाया था, और इसकी स्थापना जो है 1714 में की थी उन्होंने। और जैसे कि ये जो है फर्रुखाबाद शहर जो है नाम कैसे पड़ा उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। फर्रुखाबाद शहर जो नाम पड़ा है फारूक सियार के नाम के पड़ा है। दोस्तों, फारूक सियार, आप सोच रहे हो कि फारूक सियार कौन है? तो फारूक सियार के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी आपको पिछले वीडियो में। आपने जो हमारा वीडियो देखा होगा, फारूक नगर का शीश महल जिन्होंने फारूक नगर बसाया था, हरियाणा में पड़ता राज्य में, तो वो फारूक सियार थे। तो उन्हीं के नाम पर ये जो है फर्रुखाबाद का नाम है रखा गया। फर्रुखाबाद राज्य का नाम मोहम्मद खान के संरक्षक सम्राट फारूक सियार के नाम पर रखा गया था। 1713 में उन्हें सम्राट फारूक सियार द्वारा एक दरबारी नियुक्त किया गया, और 1714 में फर्रुखाबाद शहर की स्थापना की। उन्होंने अपने नाम पर मोहम्मदाबाद शहर और अपने बेटे कायम खान के नाम के बाद कायमगंज शहर की स्थापना की। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो है मोहम्मद खान बंगस का जो मकबरा है, अंदर की तरफ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं इससे जो बनाने का जो तरीका है बहुत, मतलब जो पुरानी और जिस तरह से इसे बनाया गया, ये बताया जा रहा है कि जो कम से कम जो है 500 साल पुराना है ये। और यहाँ देख सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है ये 300 साल पुराना है, कुछ लोगों का कहना है ये 500 साल पुराना है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि मतलब ये कितने साल पुराना है, मगर जैसे कि 1714 में इसकी स्थापना हुई थी बता रहे थे लोग। तो आप देख सकते हैं ये व्यू पूरा मकबरे का, इस तरह का आपको व्यू दिख सकता है आपको। तो आप ये देख रहे हैं, इस तरह का व्यू आपको दिखेगा पूरे मकबरे का, जो ऊपर की तरफ जिस तरह से बनाया गया है। और अंदर की तरफ आते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। चुके हैं मोहम्मद खान बंगस जी की कब्र के पास। ये जो है मकबरे के अंदर जो है दो कब्र दिख रही हैं, एक उनकी है, एक उनकी वाइफ की है, पत्नी की। और वहाँ पे जो दो कब्र दिख रही हैं वो उनके बच्चों की कब्र है। तो ये देख सकते हैं, ये जो कब्र हैं यहाँ पर, और ये इस तरफ का पूरा व्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे मकबरे का, ऊपर का जिस तरह से बनाने का तरीका है। ये बहुत ही, आप देख सकते हैं जब पहले जो कैसे महल बनते थे और जो मकबरे बनाए जाते थे, कैसी कलाकृति उसमें थी, वो बहुत काबिल तारीफ थी। ये देख सकते हैं आपको इस तरह का जो है आपको चारों तरफ मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो कब्र जो दिख रही हैं आपको, ये उनके बच्चों की कब्र है यहाँ पर। और जैसा कि हमने आपको दिखाया था पहले, वो कब्र जो थी उनकी और उनकी वाइफ की थी, और ये दो बच्चों की कब्र है बाहर की तरफ।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हम अकेले नहीं है, हमारे साथ जो है दो फ्रेंड और भी हैं जो हम ये हमारे फ्रेंड। और यहाँ पर आने के बाद में भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बहुत सारा एंजॉय किया और यहाँ की कलाकारियाँ भी देखी हमने। अच्छा, तो ये आपको यहाँ पे मतलब जो है प्लेस कैसा लगा है आपको? जगह तो बहुत अच्छी है, आसपास का माहौल भी अच्छा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है? काफ़ी लोगों को तो नहीं है, मतलब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको जानकारियाँ होंगी, क्योंकि इसको काफ़ी हमारे इतिहास में कम ही महत्व दिया गया है, क्योंकि ये उस समय का बनाया हुआ इमारत, इस समय की बनाई हुई इमारत है जब हमारे देश पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, जो कि मुगलिया सल्तनत को अपना कठपुतली बनाकर यहाँ पे शासन करती थी, जिसमें ही मतलब जो उस समय के बादशाह जो थे उनको बैठा के अपने आप शासन करती थी। तो इसीलिए इसका महत्व इतना है नहीं अभी हमारे इतिहास में। दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में। तो आपसे लेते हैं इजाज़त, चलते हैं, बाय।